अब देखते हैं हम लोग डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, है ना। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, है ना। वेल्ड जॉइंट दो प्रकार का होता है, एक वी होता है और एक फिलेट होता है। तो हम लोगों को जो भी क्वेश्चंस बनता है वो सारा फिलेट जॉइंट से बनता है। वी जॉइंट से बहुत थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग फिलेट जॉइंट के बारे में बताते हैं, फिलेट वेल्ड क्या होता है, ठीक है ना। फिलेट वेल्ड क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं, है ना। अब फिलेट वेल्ड एक्चुअली होता क्या है, दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर जब रखते हैं हम लोग और उसको वेल्ड करते हैं तो उसको फिलेट वेल्ड कहते हैं। जैसे देखिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको, है? ठीक है ना। अब देखिए दो प्लेट ले लिए हम लोग और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इस तरह से फिगर बना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है यानी जो एज होगा इस तरह से भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग, तो फिलेट वेल्ड में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर, है ना, परपेंडिकुलर रखा रहता है कुछ इस प्रकार से। एंगल में भी हो सकता है लेकिन अब परपेंडिकुलर पे ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से जब हम लोग कोई चीज़ को, मतलब दो प्लेट को रखते हैं और उसको जब हम लोग वेल्ड करते हैं, तो वेल्ड करते हैं तो वेल्ड के लिए क्या होता है, हमारे पास रड होता है। उस रड के माध्यम से हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसको, है ना, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड में दो तीन चार लेयर होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, है कि एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो रड होता है, आप वेल्डिंग सब, हर एक लोग जो भी इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं वो सारे लोग वेल्डिंग होते हुए जरूर देखे होंगे, है ना। तो वेल्डिंग के लिए क्या होता है, रड होता है। रड के माध्यम से करंट प्रभावित किया जाता है और करंट फ्लो करवा के फिर हम लोग उसको वेल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जब वेल्ड करेंगे, वेल्ड करने के बाद क्या होगा, इस तरह का एक यहाँ पर सरफेस डेवलप हो जाए, है ना। जो सरफेस डेवलप होता है, आप देखते हैं जब वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग होता है तो बहुत सारा धुआं निकलता है। वो जो निकलता है वो एक्चुअली करता क्या है, वो एक शील्ड की तरह काम करता है, बाहर का एटमोसफेयर से एयर को अंदर जाने नहीं देता है ताकि वेल्डिंग अच्छा हो पाए। मतलब वो जो धुआं निकलता है आप जो देखते हैं, है ना, इस तरह से फॉर्म और गैसेस जो रिलीज होते हैं, आप गैस का कलर भी देख सकते हैं और गैसेस देखिएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, वो एक्चुअली एक शील्ड की तरह काम करता है और शील्ड की तरह काम करने से बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ रिएक्शन होने नहीं देता है और ये वेल्डिंग अच्छा हो पाता है। वेल्डिंग के अच्छा बात यह है, इसमें बहुत शोरगुल नहीं होता है, बहुत नॉइज नहीं होता है, जबकि आप रिवेट कनेक्शन करते हैं तो खूब सारा नॉइज होता है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसको वेल्डिंग कर दिए हैं, ये हमारा एक वेल्ड, ठीक है, दिस इज अ वेल्ड, यहाँ पे हमने वेल्डिंग कर दी, ठीक है। अब जब वेल्डिंग करते हैं हम लोग तो ये पोर्शन कुछ थोड़ा सा क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, ये पोर्शन भी कुछ थोड़ा सा मेल्ट कर जाता है। सो दिस पोर्शन इज नॉन एज फ्यूजन फेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको फ्यूजन लेग बोल सकते हैं, है ना, या फ्यूजन फेस भी बोल सकते हैं आप। तो ये फ्यूजन फेस है, उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, फ्यूजन फेस है क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन हुआ है, सो दिस इज फ्यूजन फेस आल्सो। इस तरह से वेल्डिंग करते हैं हम लोग। वेल्ड करने के बाद जो सबसे मिनिमम थिकनेस होगा, ये सबसे मिनिमम थिकनेस है, दिस इज द मिनिमम थिकनेस, दिस इज द मिनिमम थिकनेस, इस मिनिमम थिकनेस को हम लोग थ्रोट बोलते हैं, है ना। ये जो है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग थ्रोट बोलते हैं, है ना।
थ्रोट बोलते हैं, और इसका थिकनेस को जब ले लेंगे हम लोग तो उसको थ्रोट थिकनेस बोलेंगे। तो थ्रोट थिकनेस पीटी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। और यहाँ जो फ्यूजन फेस का लेंथ है, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज नॉन एज लेग ऑफ वेल्ड, लेग ऑफ वेल्ड। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ये लेग ऑफ वेल्ड हो जाएगा, लेग ऑफ वेल्ड हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग साइज ऑफ वेल्ड भी बोलते हैं, साइज ऑफ वेल्ड, और हम लोग बोल सकते हैं साइज ऑफ वेल्ड, एंड दिस रिप्रेजेंटेड बाय एस, एस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज साइज ऑफ वेल्ड। ये जो थ्रोट है ये पॉइंट ऑफ वेल्ड है जहां पर ये क्या करता है, थ्रोट जो है वो इफेक्टिवली ट्रांसफर करता है स्ट्रेस को, है ना। यहां पर लिखते हैं द पॉइंट, ये जो थ्रोट आप देख रहे हैं, ये जो थ्रोट है यही इस वेल्ड का सबसे स्ट्रोंगर पार्ट होता है, और ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है लोड को। द पार्ट ऑफ वेल्ड विच इफेक्टिवली इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग द लोड, ट्रांसफरिंग द लोड इज नॉन एज थ्रोट, उसको हम लोग थ्रोट के नाम से जानते हैं, है ना। और ये जो थ्रोट थिकनेस होगा, ये थ्रोट थिकनेस सबसे मिनिमम डायमेंशन होगा। द थ्रोट थिकनेस इज द मिनिमम डायमेंशन ऑफ फिलेट वेल्ड, डायमेंशन ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड का जो सबसे मिनिमम डायमेंशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। इसके अलावा क्या है कि फिलेट वेल्ड जो है वो किसी भी हाल में जो भी स्ट्रेस लगेगा, वो स्ट्रेस उस पर जब भी लगेगा स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो होगा वो सियर स्ट्रेस होगा, है ना। इट इज एज्यूम दैट द फिलेट वेल्ड रेसिस्ट द सियर स्ट्रेस, रेसिस्ट द सियर स्ट्रेस, ये किसी भी कंडीशन में सियर स्ट्रेस को ही रेसिस्ट करेगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जब वेल्ड कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो बाकी बियरिंग और टेंशन ये सब पढ़ रहे थे हम लोग, वो सारा को भूल जाना है। यहाँ पर आपको सिर्फ वेल्ड का जब भी स्ट्रेंथ निकालने का बात होगा तो वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालने का मतलब हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को निकालना है क्या, हम लोगों को निकालना है सियर स्ट्रेंथ, है ना। देखिए कैसे, मान लेते हैं ये एक आई सेक्शन का फ्लैंज है, इसमें हम लोग मान लो एक एंगल सेक्शन को वेल्ड कर दिया है, ये एंगल सेक्शन इस तरह से यहाँ वेल्ड हो गया, वेल्डिंग कर दी हम लोग। अब लोड को अगर अलोंग द एसेंट्रिसिटी लगा रहे हैं तब तो सियर होगा ही। मान लो जैसे कि इस केस में अगर हम लोग देखें, इस केस में अगर हम लोग लोड को इस प्रकार से लगाते हैं, इस प्रकार से लोड को अगर हम लोग लगाते हैं, इस प्रकार से लोड को लगाते हैं हम लोग अगर, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये कैसा फोर्स हो गया, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। लेकिन अगर मान लो कि कोई फोर्स ऐसा लगता है ना, यहाँ पर इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, आपको बताए थे ये इसेंट्रिसिटी हो गया ई, ये इसेंट्रिसिटी हो गया ई। अब ये लोड यहाँ पहले ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह से पी, जब ये पी ट्रांसफर होगा तो ये यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स लगाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस लगाएगा, कल जैसे बताए थे सेंट्रिक कनेक्शन में। दूसरा चीज क्या होगा, ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा यानी मोमेंट लगेगा यहाँ पी इन टू ई, तो जब ये मोमेंट लगेगा यहाँ पर यानी मोमेंट जो ट्रांसफर होगा यहाँ से पी इन टू ई, इसके वजह से ये ऐसा रोटेट करना चाहेगा, और जब ये रोटेट करना चाहेगा तो टॉर्सनल मोमेंट डेवलप होगा, और टॉर्सनल मोमेंट के वजह से टॉर्सनल सियर डेवलप होता था, है ना। तो देखिए इफ लोड इज इसेंट्रिक, लोड इज इसेंट्रिक
इफ लोड इज इसेंट्रिक देन देन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस एक्ट ऑन द वेल्ड. क्या होगा, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, ये जो लोड इसेंट्रिक लोड लग रहा है, इस इसेंट्रिसिटी की वजह से मोमेंट डेवलप होगा. ड्यू टू इसेंट्रिसिटी बेंडिंग मोमेंट विल बी डेवलप विच प्रोड्यूसेस टॉर्सनल मोमेंट एंड टॉर्सनल मोमेंट एक्ट्स एज टॉर्सनल शियर. आप कल देखे थे, हम लोग टॉर्सनल का फॉर्मूला लिखे थे, टाउ बाय से इक्वल टू एफ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल. ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये फार्मूला पढ़े होंगे. दिस इज नॉन एज टॉर्सनल फार्मूला. दिस फार्मूला इज नॉन एज टॉर्सनल फार्मूला. और इस टॉर्सनल फार्मूला से हमने क्या निकाला था, हमने शियर स्ट्रेस निकाला था. अब ये यहाँ से शियर स्ट्रेस जो लगेगा वो इसको इस तरह से बैंड करना चाहेगा, तो ऑब्वियसली जो ये बैंड होगा तो दिस शियर स्ट्रेस विल बी एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन. सपोज दिस इज एफ टू और इधर जो शियर स्ट्रेस लगेगा दिस शियर स्ट्रेस विल बी एफ वन. तो किसी भी कंडीशन में जो वेल्ड होगा, खास करके फिलेट वेल्ड, वो किसी भी सिचुएशन में जो रेसिस्ट करेगा वो शियर रेसिस्ट करेगा, चाहे फोर्स कैसा भी लग रहा हो, इसेंट्रिक लग रहा हो, सेंट्रिक लग रहा हो, लॉन्गिट्यूडनल लग रहा हो, किसी भी प्रकार के लोड में ये क्या होगा, हमेशा हमेशा जो है एक शियर स्ट्रेस को ही ये रेसिस्ट करेगा. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. किसी को डाउट है? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? हाँ, ऐसा कुछ मिटाया नहीं है, हेडिंग सिर्फ मिटा है. हो गया? अब देखो कि दो प्लेट को अगर हम लोग को वेल्ड करना है, ये दो प्लेट है इसको वेल्ड करना है हम लोगों को, तो ये हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं. यहाँ पर ये वेल्डिंग हो गया. इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, एंगल ऑफ वेल्ड, एंगल ऑफ वेल्ड. दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ वेल्ड, है ना? अब ये जो है फिलेट वेल्ड कहता है कि फिलेट वेल्ड तब यूज नहीं करना चाहिए, द फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन एंगल ऑफ वेल्ड. ये एंगल ऑफ वेल्ड हो गया. एंगल ऑफ वेल्ड इज लेस देन 60 डिग्री एंड मोर देन 120 डिग्री. ये सब कोड प्रोविजन है,
कोड के अकॉर्डिंग आप फिलेट वेल्ड का यूज नहीं कर सकते हैं अगर एंगल ऑफ वेल्ड जो है वो 60 डिग्री से कम हो जाए और 120 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो फिलेट वेल्ड आपको नहीं करना चाहिए, है ना। अब क्या है, थ्रोट थिकनेस है ना, थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस क्या होगा, अभी आप लोग देखे थे थ्रोट क्या होता है ना, ये आपके पास है, ये आपका वेल्ड था, कन्वेक्स साइड को छोड़ दे रहे हैं हम, ये आपका वेल्ड था और ये जो डिस्टेंस था दैट डिस्टेंस वाज थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज टी टी, इसको हम लोग टी टी से रिप्रेजेंट किए थे और ये जो डिस्टेंस था दैट डिस्टेंस वाज साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इस फिगर को हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं, ये आपका डिस्टेंस है, इस फिगर को हम यहाँ बड़ा करके बना रहे हैं और ये आपका थ्रोट थिकनेस है टी टी। तो ये जो एंगल है अगर 90 डिग्री के लिए हम लोग लेते हैं, वेल्ड ऑफ एंगल ऑफ वेल्ड जो है हमारा 90 डिग्री है, ये मीड में होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, सो दिस विल बी 45 डिग्री एंड दिस लेंथ इज साइज ऑफ द वेल्ड। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये एस है और ये टी टी है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर हम लोग साइन थीटा लें तो साइन थीटा के लिए क्या होगा, ये साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ये भी 45 डिग्री हो गया, साइन थीटा का अगर यूज करते हैं हम लोग तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा कि या साइन थीटा में ज़्यादा लफड़ा है तो कॉस थीटा यूज कर लिए, दोनों से सेम ही आंसर आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा उसका बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस टी टी बाय साइज ऑफ वेल्ड एस, सो टी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है हमारा, इसमें जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, सो टी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी टी इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 0.707, सो दिस इज 0.7 एस, मीन्स इसको हम लोग कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट के मान लेते हैं, है ना। अब इस कॉन्स्टेंट के का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए थ्रोट थिकनेस टी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, के इंटू एस लिख सकते हैं, हेंस थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस इक्वल टू के इंटू साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, वेयर के क्या है, वेयर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ वेल्ड, वेल्ड के एंगल पे ये डिपेंड करेगा। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए इस के का वैल्यू जो है वो अलग अलग एंगल ऑफ वेल्ड के लिए अलग अलग होगा, है ना, हम लोग एंगल ऑफ वेल्ड ये याद रखने वाली चीज़ है एंड वैल्यू ऑफ के ले लेते हैं। अब हम क्या बताएं कि हमारा जो है वेल्ड जो है अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री से कम है एंगल ऑफ वेल्ड तो हम लोग फिलेट वेल्ड का यूज नहीं कर सकते, और 120 डिग्री अगर 120 डिग्री से ज़्यादा है तो भी हम लोग फिलेट वेल्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, तो एंगल ऑफ वेल्ड हम 60 टू 90 डिग्री के लिए हम लोग के का वैल्यू 0.7 लेते हैं, 91 से 100 डिग्री के लिए 0.65, 101 से 106 के लिए 0.60, 107 से 113 के लिए 0.55 और 114 से 120 के लिए ये वैल्यू 0.5 होता है, तो इट मस्ट बी रिमेंबर, अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा सा डाटा आपका अलग हो जाएगा, ये कोड बुक के अनुसार है। अब देखिए मान लेते हैं इफ़ एंगल ऑफ वेल्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज 105 डिग्री एंड साइज ऑफ वेल्ड इज 8 mm, फाइंड थ्रोट थिकनेस। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद
ये क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या बोला तिवारी? हाँ रखो ना, बोलो क्या बोला, बात करो ना। ठीक फोन कर रहा हूँ बहादुर, वो बोला ना सर ये बात नहीं किए हैं दूसरे ऐप वाला से, वो बात कर लेंगे कल आके, हम वहीं पर बात कर लेंगे, अब अभी बाहर निकले हुए हैं आके वहीं पर बात करो। अभी नहीं पाया सीपीआई भी नहीं कर रहा एग्जाम वाला, बोले बात नहीं किए बात कर लेंगे आज नहीं बात, उसको देख के बता देना चाहते हो तुमको नहीं क्यों, तुम वहाँ देखता ना सामने खाली जाता तो देख लेता उसको और उसको बता देता, एक लेट हो रहा है ना टेस्ट सीरीज, इन सब लाइट ऑफ कर दो। बताओ आंसर बताओ, फोर पॉइंट एट, फोर पॉइंट एट, और कोई सबका आ गया ना, बहुत आसान है ना। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है। आपको देखिए साइज ऑफ वेल दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, 105 डिग्री एंगल ऑफ वेल्ड है, 101 से 106 तक 0.6 होता है, 0.6 इंटू 8 कर दीजिए आंसर आ जाएगा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन तुमको देंगे तो फिर तुम लोग बोलोगे कि नहीं बन रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं बोलिए। अब देखिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हम लोग देखेंगे ना, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो लिखा रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कोड बुक से लिखा रहे हैं। ये मान लो हमारे पास इस तरह से हमको यहाँ वेल्ड करना है, वेल्ड कर दिए। अब इसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2, सपोज T1 इज मोर देन T2, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है, ये मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है हमारा थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे डिपेंड करेगा, है ना, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे डिपेंड करेगा। द मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, द मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, थिकर प्लेट। अगर इस फिगर में देखें हम लोग तो यहां पर आपका जो ज्यादा थिक होगा उस प्लेट पे आपका ये थिकनेस डिपेंड करेगा। अब ये थिकनेस होगा कितना इसको याद रखना पड़ेगा, आपके पास एक टेबल है जो IS 800 2007 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक टेबल है, है ना। ये क्या कहता है, हम लोग यहाँ ले लेते हैं थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, और यहाँ हो जाएगा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इन mm अप टू 10 mm। अगर साइज जो है प्लेट का या थिकनेस जो है प्लेट का वो 10 mm तक है तो हमारा साइज हो जाएगा 3 mm, 11 to 20 mm। अगर प्लेट का थिकनेस 12 से 20 एमएम तक है तो साइज हो जाएगा 5 mm, अगर 21 से 32 एमएम तक है तो साइज हो जाएगा 8 mm, अब मोर देन 32 एमएम है तो ये हो जाएगा साइज 8 mm। इस प्रकार से मैक्सिमम साइज, सॉरी मिनिमम साइज ऑफ जो
अब प्लेट सॉरी अब जो वेल्ड है वो वेल्ड जो है आपका डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा मिनिमम सॉरी थिकनेस ऑफ थीकर प्लेट, थीकर प्लेट के थिकनेस पे डिपेंड करेगा। नाउ अब मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड देखते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड ये सब सारा कोड बुक है, ठीक है ना। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है ये किस बात पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये थिकर प्लेट पे था तो ये थिनर प्लेट पे डिपेंड करेगा थिनर प्लेट, क्योंकि आप अगर मैक्सिमम साइज अगर इस प्लेट के थिकनेस से ज़्यादा ले लेंगे तो आप वेल्ड कहाँ करेंगे, आपके पास जगह चाहिए ना वेल्ड होने के लिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। और अगर ये प्लेट जो है इस तरह से अगर ये जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेट, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेट। तो फॉर स्क्वायर प्लेट के लिए क्या होता है, ये जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड है ये क्या होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड ये होगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड निकाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम साइज जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्क्वायर प्लेट के लिए है। लेकिन अगर मान लो राउंडेड एज रहता है और राउंडेड एज, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, नहीं आवाज आ रहा है। हाँ स्क्वायर प्लेट का मतलब हो गया ऐसा, मतलब ये शार्प एज, जैसे ये है ना, ये स्क्वायर प्लेट हो गया ना, ये जो है ये स्क्वायर प्लेट हो गया, यहां पर वेल्डिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसी तरह से राउंड एज के लिए, राउंड एज देखो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये राउंड एज हो गया ना, इस तरह से एज रहेगा तो इसको राउंड एज बोलेंगे। अब इसको वेल्ड करना है, मान लो यहां पर वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो फॉर राउंड एज क्या होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जो होगा दिस विल बी 3-4 times ऑफ इसका जो थिकनेस है थिकनेस ऑफ एलिमेंट। इस तरह से इन दोनों के माध्यम से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम साइज जो है वेल्ड का हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, जैसे मान लो वेल्ड किया हुआ है ना, जैसे यहां पर वेल्ड किया हुआ है, ये समझो आई सेक्शन है, आई सेक्शन ऐसा ही होता है जी, सामने से देखेंगे आई सेक्शन ऐसा ही दिखेगा, क्रॉस सेक्शन देखेंगे तब आई की तरह दिखेगा, है ना। तो ये हमारा आई सेक्शन है। अब आई सेक्शन को हम जो है वेल्ड कर रहे हैं, तो आप अभी तक क्या देख रहे थे, क्रॉस सेक्शन देख रहे थे। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे आप तो आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार का दिखेगा क्रॉस सेक्शन। यहां पर आपने वेल्ड किया है, यहां पर आपने वेल्ड किया है, यहां पर, यहां पर, यहां पर आपने वेल्ड किया है, इतना बहुत सारा वेल्ड किया है। अब यहां पर उसी उस वेल्ड को हम लोग यहां देखेंगे, देखिए कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरह से जाएगा, है ना। मान लो यहां तक वेल्ड किए हम लोग, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको, इस प्रकार से ये वेल्ड हुआ है, ठीक है। अब ये जो है आपका यहां पर, ये
यही साइज ऑफ वेल्ड है, साइज ऑफ वेल्ड है। उसी तरह ये भी क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है, ठीक है। अब ये पूरा लेंथ है L, दिस इज नॉन एज लेंथ ऑफ वेल्ड। हमको चाहिए क्या, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड L इफेक्टिव, L इफेक्टिव बराबर होता है, ये पूरा लेंथ ले लीजिए यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज L इफेक्टिव। L इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस ये साइज ऑफ वेल्ड और ये साइज ऑफ वेल्ड, तो टू टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। यानी L इफेक्टिव बराबर आप लिख सकते हैं क्या, L माइनस टू इंटू एस। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। ठीक है, इसका थिकनेस लेना है, ये जो राउंडेड है, राउंडेड एलिमेंट है, इसका थिकनेस होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब देखते हैं इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल्ड। तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है वेल्ड का, तो आप उसका इफेक्टिव लेंथ निकालिए और थ्रोट थिकनेस निकालिए। मतलब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हुआ एरिया ऑफ थ्रोट, एरिया ऑफ थ्रोट, क्योंकि आप अभी सुने थे कि जो थ्रोट है, थ्रोट ही जो है स्ट्रेंथ मतलब लोड को ट्रांसफर करता है, थ्रोट ही जो है वो लोड को ट्रांसफर करता है ना। तो थ्रोट एरिया आपको निकालना है, तो थ्रोट एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप, तो दिस थ्रोट एरिया कैन बी कैलकुलेटेड एज इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड into into throat thickness effective length of weld हो गया L effective into throat thickness हो गया TT, so this is the area। अब देखो इस weld का हमको strength निकालना है ना, यानी कि load carrying capacity of weld निकालना चाहते हैं, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड या फिर हम क्या बताए थे कि जो वेल्ड है वो वेल्ड क्या करता है, फिलेट वेल्ड जो है वो हर स्थिति में जो है वो सियर स्ट्रेस ही कैरी करता है, तो उस वेल्ड का जो सियर स्ट्रेंथ होगा उतना ही वो लोड ले पाएगा, ठीक है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड निकालने का मतलब है आपको कि सियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आपको निकालना है, सियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आपको निकालना है यानी पीएस निकालना है। तो ये पीएस कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं सियर फोर्स यानी स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, फोर्स हो गया, तो दैट सियर फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज सियर स्ट्रेस।
इंटू एरिया, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, सीयर स्ट्रेस मतलब परमिसिबल सीयर स्ट्रेस, परमिसिबल सीयर स्ट्रेस इंटू एफेक्टिव एरिया लिखते हैं, क्योंकि एफेक्टिव एरिया ही काम करेगा लोड लेने में। तो दिस, इसको अगर पी एस से डिनोट कर रहे हैं तो परमिसिबल सीयर स्ट्रेस हो जाएगा एफ एस इंटू एफेक्टिव एरिया ए, ठीक है। तो सो इट कैन बी रिटन एज एफ एस इंटू एरिया, एरिया क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। हेंस दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेल्ड, वेल्ड का लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है ये आपको यहां पर मिल जाएगा। अब देखिए वेयर एफ एस क्या है, वेयर एफ एस जो है, एफ एस इज परमिसिबल सीयर स्ट्रेस, परमिसिबल सीयर स्ट्रेस ऑफ वेल्ड, एंड दिस एफ एस इक्वल टू क्या होता है 110 मेगा पास्कल इन डब्ल्यू एस एम। और एल एस एम में भी मैंने बताया था एफ एस क्या होता है, एफ यू बाई रूट थ्री इंटू 1.25, है ना, इन द एल एस एम। ये पहले ही हम बता चुके थे, ये नीचे वाला वैल्यू डब्ल्यू एस एम वैल्यू वेल्ड और रिवेट के लिए थोड़ा चेंज होता है। वेयर एफ यू क्या है, एफ यू इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और ये कहाँ से आता है, ये स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम से आता है। उस स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका माइल्ड स्टील होता है उसका सीयर स्ट्रेंथ कमजोर होता है, सीयर स्ट्रेंथ वीक होता है। तो सीयर स्ट्रेंथ वीक होने के वजह से हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का यूज करते हैं एफ यू बाई रूट थ्री। एफ यू बाई रूट थ्री से हमको मिल जाता है परमेश्वर इल्ड, इल्ड वैल्यू मिलता है। और इल्ड को जब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को परमेश्वर या वर्किंग स्ट्रेस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए डिसकंटिन्यूस वेल्ड, डिसकंटिन्यूस वेल्ड या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमिटेंट वेल्ड, इंटरमिटेंट वेल्ड यानी कि वेल्ड जो है वो थोड़ा थोड़ा लेंथ पे क्या हुआ है, इंटरमिटेंट है, है ना। तब देखिए इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग के पास एक आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन का हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आई दिखेगा, और ये न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर जो होगा वो कंप्रेशन में चला जाएगा और नीचे जो होगा वो टेंशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर वेल्डिंग इस प्रकार से किया हुआ है, कुछ इस प्रकार से वेल्ड कर किए हम लोग, फिर इस प्रकार से वेल्ड किए हम लोग, तो सच टाइप ऑफ वेल्ड इज नॉन एज, सच टाइप ऑफ वेल्ड इज नॉन एज डिसकंटिन्यूस और इंटरमिटेंट वेल्ड। इस तरह के वेल्ड को हम लोग डिसकंटिन्यूस और इंटरमिटेंट वेल्ड बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज पिच ऑफ वेल्ड, पिच ऑफ वेल्ड पी। और इन दोनों के बीच का यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है, दिस इज नॉन एज पिच ऑफ वेल्ड, पिच ऑफ वेल्ड। और पिच ऑफ वेल्ड या पिच ऑफ रिवेट हम पहले ही आपको बताए हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं, है नहीं, सेंटर से नहीं लेंगे, सेंटर से इसका डिस्टेंस नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसा कि पहले बताए थे पिच ऑफ वेल्ड जो होता है ये कंप्रेशन साइड में शुड नॉट मोर देन कितना 12 टी एंड शुड नॉट मोर देन 200 एम एम, और यहाँ भी दैट शुड नॉट मोर देन 16 टी एंड शुड नॉट मोर देन 200 एम एम। तो इन कंप्रेस मैक्सिमम पिच इन वेल्ड इन कंप्रेशन पी बराबर क्या होगा 12 टी और 200 एम एम। टेक कौन सा लेते हैं, टेक मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से मैक्सिमम पिच इन वेल्ड है, अच्छा ठीक है, अभी ऊपर वाला दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना,
अभी ठीक है, मैक्सिमम पिच ऑफ वेल्ड इन टेंशन, दिस पी इक्वल टू 16 T और 200 mm, टेक मैक्सिमम वैल्यू। आपको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। इसको एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कुछ डाउट है तो पूछिए। ओ सॉरी सॉरी, वो गलती से लिखा गया, मिनिमम होगा। डाले ये कोड बुक है टी, यहां पर थिकनेस ऑफ प्लेट है, टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, 16 गुना मिनिमम होगा और उससे जो वैल्यू आएगा, और 200 मैक्सिमम परमिशनल वैल्यू है, मतलब 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये मान लो 100 आ गया सपोज करो और ये 200 है, तो उसमें से जो छोटा रहेगा उसको पिच लेना है हमको। हाँ दोनों में मिनिमम होगा। ये हम पहले भी डिस्कस किए थे, इसलिए हम ज्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं दिए। हाँ माइल स्टील नहीं करता ना, वेल्ड करने के पर वेल्ड का ज्वाइंट का हम लोग शेयर स्ट्रेंथ देख रहे हैं। सर वो करते हैं। हाँ तो जितना रेसिस्ट करेगा उतना ही लोड लगाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग उसका थिकनेस बढ़ाएंगे। जितना लोड के लिए जितना थिकनेस चाहिए उस थिकनेस का हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, तो बोलोगे ना जब क्वेश्चन पूछते तो बताओगे ना समझ में आया कि नहीं। एक होता है स्लॉट वेल्डिंग, स्लॉट वेल्डिंग क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं इस पर हम लोग एक प्लेट को ओवरलैप किए हैं, प्लेट वेल्ड कर रहे हैं, ये हमारा एक वेल्ड है, ये प्लेट लगा दिए, इस पर लोड लगा रहे हैं पी, और इस लोड के लिए, इस लोड को रेसिस्ट करने के लिए ये वेल्ड किए हम लोग, ये तीन तरफ वेल्ड कर दिए हम लोग, तीन तरफ वेल्ड कर दिए। अब मान लो कि ये सारा लेंथ, मान लो ये 100 mm है, सोचते हैं ऐसा, या चलो 300 mm है, ये 100 mm है, ये भी 300 mm है, तो ये पूरा लेंथ ऑफ वेल्ड जो है हमारे पास, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग 300 + 100 + 300 700 mm आ रहा है, ठीक है। अब जो हम यहां पर लोड लगा रहे हैं, इस लोड के लिए जो वेल्ड होना चाहिए, वेल्ड का लेंथ, क्योंकि लोड बराबर क्या था, पीएस बराबर था एफएस इंटू टीटी इंटू एल इफेक्टिव, तो थ्रोट थिकनेस हम साइज ऑफ वेल्ड को डिसाइड कर लिए, एफएस कांस्टेंट है, लोड हमको पता है कितना लगाना है, तो लोड भी पता है, तो यहां से एल इफेक्टिव आ जाएगा कि पीएस बाई एफएस इंटू टीटी। अब
इससे जो इफेक्टिव लेंथ आ रहा है, सपोज करो कि ये 1000 mm आ रहा है, सपोज कर रहे हैं 1000 mm आ रहा है हमारा, और यहां पर हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है वो 700 mm है, और ये जो ये साइड है यहां पर बोला वेल्ड नहीं करना है मान लो, और अगर यहां वेल्ड करना है तो यहां मान लो 1200 आ रहा है, या मान लो यहां वेल्ड नहीं कर रहा, लोग थ्री साइड वेल्ड कर रहे हैं, बोला कि थ्री साइड ही वेल्ड करना है, उधर अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो हम लोग ये थ्री साइड वेल्ड किए और वेल्ड का लेंथ हमारा मिल रहा है 700, और ये कह रहा है कि 1000 mm आपको चाहिए इस लोड के लिए, इस लोड के लिए लेंथ ऑफ वेल्ड जो है वो 1000 mm चाहिए। और फिर दूसरा कंडीशन ये है कि आप जो है इसको और ज्यादा ओवरलैप नहीं कर सकते, मतलब इधर नहीं ला सकते, 300 mm ही आप ओवरलैप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है when overlapping length is restricted, जब overlapping length restricted है and length of weld required is less as desired, जितना चाहिए उससे हमारा length जो है वो कम है, तब उस situation में हम लोग slot welding का use करते हैं, उस situation में हम लोग स्लॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं, क्योंकि अब इसको आगे बढ़ा नहीं सकते, लेंथ हमको जितना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, अगर इतना लेंथ के लिए हम लोग डिजाइन कर देंगे तो ये लोड कम हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चर है उस पर इससे लोड कम नहीं करना है, तो वेल्ड का साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट को इस प्रकार से कट कर देते हैं, कट कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि ये लेंथ हमारा दो तरफ बढ़ गया, उसी तरह से और भी स्लॉट बना सकते हैं, ये स्लॉट बना देते हैं हम लोग, तो दिस इज नॉन ए स्लॉट, और स्लॉट में जो वेल्डिंग करते हैं आप वो कहलाता है स्लॉट वेल्डिंग, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लॉट, स्लॉट का विड्थ है, एज पर आईएस कहता है कि विड्थ ऑफ स्लॉट जो होना चाहिए, विड्थ ऑफ स्लॉट डब्लू शुड नॉट लेस देन, ये लेस नहीं होना चाहिए कितना से 3T से, शुड नॉट लेस देन 25 mm, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, जो प्लेट कट कर रहे हैं उसका थिकनेस, तो ये आपका विड्थ ऑफ स्लॉट इससे कम आपका नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है बेसिक्स था, अब इस पर एक क्वेश्चन हम कल करा देंगे, फिर वेल्ड कनेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर। तो आप एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर, हाँ हाँ प्लग जॉइंट तो ये नहीं है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। वेल्डिंग आपका जो बेसिक कंसेप्ट वो सारा बता दिए, एक आध क्वेश्चन हम करा देंगे कल बड़ा क्वेश्चन, ताकि आपका और भी जो कंसेप्ट है कैसे साइज डिसाइड करना है क्या करना है, खैर वो आपका भी इस एग्जाम में उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन करा देंगे इस पे बेस्ट, एक क्वेश्चन करा देंगे बड़ा सा आधे घंटे का, और फिर हम लोग जो है टेंशन मेंबर में जाएंगे, फिर टेंशन के बाद कंप्रेशन में, ज़्यादा ज़्यादा 7-8 दिन का क्लास और है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, सभी को शुभ रात्रि। अच्छा एक कर दिया, अच्छा और एक बात ये बोलना था, मे भी कल हो सकता है कि हम क्लास ना ले